চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূলের নবনিযুক্ত ব্লক সভাপতিদের সংবর্ধনা জানালেন অন্যান্য তৃণমূল সংগঠনের সদস্যরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূলের নতুন ব্লক সভাপতি হয়েছেন সারাফাত আলী, যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হয়েছেন আনবার আলম, আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি হয়েছেন আব্দুস সামাদ কাদেরী এবং তৃণমূলের মহিলা ব্লক সভাপতি হয়েছেন কিরণ মহত সাহা। তাদের সবাইকে ব্লক সভাপতি হওয়ায় ফুলের মালা পরিয়ে এবং হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূল শিক্ষক সমিতি বিদ্যানন্দপুর অঞ্চল শাহপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত বেলন গ্রাম পঞ্চায়েত নিজামপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ইউথ তৃণমূল ও কানকি ইউথ তৃণমূলের সদস্যরা। चुने गए हैं, जिम्मेदारी जो था वो जिम्मेदारी को निभा रहे थे, आगे चल के और भी निभाना पड़ेगा। पार्टी का कोई जिम्मेदारी मिलना मतलब जिम्मेदार होकर उसको निभाना पड़ता है। पिछले दिनों कोशिश किए थे अच्छे से काम करने का, सामने वाले दिन में भी कोशिश रहेगा कि पार्टी जिस विश्वास से हमको तीसरी बार किया है पार्टी के हित में पब्लिक के लिए काम करें। एक सवाल मेरा ये है कि आदर्श जो जिम्मेदारी है मदर का ले लीजिए, आईएनटीटीसी का ले लीजिए, महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट का ले लीजिए, तो इन सबको चेंज करते आए हैं पार्टी, लेकिन लगातार तीसरी बार आपको यूथ का अध्यक्ष चुना गया है, ये लगातार तीसरी बार चुनने का क्या मतलब? इसका मतलब क्या मतलब तो हम नहीं बोल पाएंगे, मतलब जो लोग चुनते हैं वही लोग बोल पाएंगे बेहतर, लेकिन तीसरी बार चुने गए हैं, पार्टी जिम्मेदारी दिया है तीसरी बार, इससे खुश हैं और कोशिश रहेगा कि आने वाले दिनों में जो सोच समझ के हमको जिम्मेदारी दिया है उसका पालन सही से कर पाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पार्टी का और साथ साथ हमारे यहाँ के एमएलए मिनाजुल हक नजर साहब का और हमारे अभिभावक कन्हैया लाल अग्रवाल साहब का, हमारे और अभिभावक जनाब गुलाम बबली साहब का और ख़ास तौर से हमारी मित्री और अभिषेक बनर्जी साहब का। तो फिर से दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई है, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये एक श्रमिक संगठन है और उन श्रमिक का जो आए दिन का प्रॉब्लम है हर जगह प्रॉब्लम रहता है और एक दफ्तर भी है, तो इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से मैं गुज़श्ता दिनों से निभाते आ रहा हूँ, इस बार फिर से जिम्मेदारी आप करी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बखूबी किस तरह से निभाया जाए क्योंकि एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है मूल पार्टी का और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक जो है मूल संगठन किसी कोई भी मूल संगठन की मजबूती का दारोमदार फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पर रहता है। तो श्रमिक संगठन की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी गई है, हम इसको अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी लगन के तहत हम इसको निभाएंगे और संगठन को और भी मजबूत से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। সংগঠনের গ্রাম আমাদের টিএমসির আছিল, প্লাস কিছু হতো এদিক ওদিক হতে গিয়ে আমাকে পার্টি দায়িত্ব দিল, এই পার্টি তো কার মানে পৈতৃক সম্পত্তি না, আজকে আমাকে দিয়েছে কালকে আর কাউকে দিতে পারে, কিন্তু আমার উপরে ভরসা রেখেছে পার্টি, ভরসা যখন রেখেছে পার্টির আমি ভরসা রাখবো 100%। এই জান দিয়ে পার্টির জন্য যা নির্দেশ হবে পার্টির তাই আমি করব, প্লাস আমার যে ব্লকের